हाँ, मैंने चंडीगढ़ में बहुत थिएटर किया और खिड़कियाँ देखकर मुझे मेरे पुराने दिन याद आ गए, क्योंकि थिएटर से ही मेरी शुरुआत हुई थी। 5 साल मैंने थिएटर किया चंडीगढ़ में। नुक्कड़ नाटक काफ़ी किया है, स्टेज थिएटर किया है, वन एक्ट प्लेस किए हैं, और आई थिंक थिएटर एक बेसिस है हर एक परफॉर्मर के लिए, चाहे वो रेडियो से अटैच्ड हो या फिर टेलीविजन से या फिर फिल्म से, इनफैक्ट म्यूजिक से भी। आई थिंक थिएटर का भी एक सुर होता है, एक ताल होती है, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी आर्टिस्ट। आई थिंक एक जिंदगी के लिए एक ही टैलेंट काफ़ी होता है। आई थिंक आई एम क्वाइट लकी कि मैं गाता भी हूँ और कंपोज भी करता हूँ, एक्टिंग भी करता हूँ, पर मुझे लगता है अगर आपका एक अच्छा टैलेंट है, आपको और किसी टैलेंट की जरूरत नहीं होती। ऑफकोर्स मेरे जो गाने हैं, मेरे 5-6 गाने हैं, उन उस पर परफॉर्म करूँगा, और अकूस्टिक वर्जन है, कॉमन बॉक्स है, अकूस्टिक गिटारिस्ट है, और आई थिंक बहुत ही अच्छा माहौल होने वाला है यहाँ पर, क्योंकि थिएटर वाले जो कला का सेवन करते हैं उनको बहुत मज़ा आता है सब कुछ करने में। सो आई थिंक आई एम रियली एक्साइटेड, काफ़ी घरेलू माहौल है यहाँ पर, आई एम नॉट इंटीमिडेटेड एट ऑल। मुझे लगता है मैं अपने दोस्तों के लिए गा रहा हूँ। हाँ, मनमर्जियाँ फिल्म में मैं पंजाबी प्ले कर रहा हूँ, तो उसके लिए बेड मैंने बढ़ाई है। फरवरी से मेरी फिल्म शुरू हो जाएगी पंजाब में, तो ये लुक उसके लिए। पहली बार इनफैक्ट पंजाब में शूट कर रहा हूँ। जो विक्की डोनर थी वो दिल्ली का एक पंजाबी था, ये प्रॉपर पंजाबी है, प्योर पंजाबी है, इसमें दिल्लीपन नहीं है, इसमें पूरी पंजाबियत है फिल्म के अंदर, और एक प्रॉपर रोमांस इसे कहते हैं, पंजाब की धरती से आपके सामने प्रस्तुत होने वाला है।